जापान के इस चिड़ियाघर में जब ठंड बहुत पड़ जाती है तो इन कैपिबारास के लिए गर्म पानी के झरने खोल दिए जाते हैं, जिसके नीचे घंटों घंटों बैठकर ये कैपिबारास ठंड को पूरा एंजॉय करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कैपिबारास बहुत ही शांत स्वभाव के जानवर होते हैं, जिन्हें इंसान तो पसंद करते ही हैं, साथ ही साथ इन्हें बाकी के जानवर भी काफी पसंद करते हैं। चाइना में एक जगह ऐसी है जहां मेट्रो ट्रेन बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरती है, और इतना ही नहीं बल्कि एक पूरा स्टेशन बना हुआ है इस बिल्डिंग के अंदर, जिसका नाम चोंगशिन स्टेशन है। और भी ज्यादा हैरान होने वाली बात तो ये है कि ये बिल्डिंग लोगों के रहने की जगह है जहां से ये ट्रेन निकल रही है। वोल्वो कंपनी का नाम तो आपने शायद सुना होगा। तो जब ट्रक से होने वाले एक्सीडेंट बढ़ने लगे तो वोल्वो ने अपने ट्रक के अंदर ये इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम लगाया, जिसके कारण ये हादसा होते होते बच गया। तो ये वीडियो शायद दुनिया के सबसे समझदार डॉगी की होगी। तो इस बच्ची में और इस डॉगी में बड़ी गहरी दोस्ती है। तो क्या होता है कि जैसे ही इस बच्ची के पापा घर में एंटर होने वाले होते हैं, तो ये डॉगी उन्हें सुनकर पहले इस बच्ची को बता देता है कि पापा आ गए हैं, और ये बच्ची तुरंत टीवी बंद कर पढ़ने बैठ जाती है, ताकि पापा को ये लगे कि वो पढ़ रही थी। और इस बात का पता पापा को तब चला जब उन्होंने इस सीसीटीवी वीडियो को देखा, जो कि आप अभी देख रहे हो। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की इस मशहूर मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस में 1885 में बनाया गया था, और ये फोटो भी तभी का ही है जब इस मूर्ति को बनाया जा रहा था। ये है ग्रीस का कोरिंथ कैनल, जो कि हमारे यहाँ की किसी नहर के बराबर है, लेकिन बड़े बड़े समुद्री जहाजों को समुद्र तक जाने के लिए इस छोटे से रास्ते को पार करके जाना पड़ता है। तो जो आपने वीडियो में देखा वो थी एक ऐसी तितली जो कि सूखे पत्ते की तरह लगती है, और ये अद्भुत जीव हमारे ही देश में पाया जाता है, और इसे इंडियन ओकलीफ बटरफ्लाई कहते हैं। कई बार आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपकी जिंदगी को थोड़ा मुश्किल बना देते हैं। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे किसी सिंगिंग कॉन्सर्ट का फोटो है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रुई की फसल है जिसे मशीन्स रात को काट रही हैं। हंगरी के इस रोड को म्यूजिकल रोड कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि इस रोड पर अगर आप तय करी हुई स्पीड से चलेंगे तो आपको म्यूजिक सुनाई देगा। हे भगवान, आ गई वो। हैं? ये क्यों चली गई और कौन आ गई? अरे अरे भगवान, तुम
तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, जो कि मैं अगली बार इम्प्रूव कर सकूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं यार अगली वीडियो में।